शहरों और गांव को सुंदर बनाने का कार्य व साफ सफाई करने का कार्य हरिजन समाज के लोग ही करते हैं, परंतु हमारे समाज ने व पूर्वजों ने मिलकर इन हरिजन समाज के लोगों को निजी जाति का दर्जा दिया व इनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया। लेकिन राजस्थान के राजसमंद जिले के दिलवाड़ा गाँव में 7 साल के अंदर इन्हें एक नई पहचान व एक नई जिंदगी मिलने लगी है। पहला ये दिक्कत थी कि गांव के लोग इतनी छुआछूत करते थे, कहीं दुकान पे जाके सामान लेते थे, उस समय इतना दूर रहना पड़ता था, पैसे देते थे इतना ऊपर से लेते थे, सामान को नीचे रख के फिर हमें उठाना पड़ता था। उसके बाद में भी वो मतलब पैसे लेने के बाद में भी वो आदमी पहले पानी वानी छिटक के और पैसे अपने गले में डालता था। इन 7 सालों के अंदर जो बदलाव देखने को आया है वो हरिजन समाज के लोगों में रहन सहन और गांव की हर शहरों में आना जाना व खान पीन से लगाकर बदलाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस बदलाव के लिए श्याम मंदिर नामक एक संस्था ने गांव में कुछ कार्यक्रम चला रखे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों की वजह से हरिजन समाज के लोगों के लिए गांव में आज भेदभाव मिटने लगे हैं। परिवर्तन धीरे धीरे बदल चुका है। हमारे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है अभी ठीक है, पहले से भी अब अच्छा लग रहा है। कोई कहते थे हरिजन, कोई क्या कहते थे, पहले तो ऐसा लगता था, और अभी तो हमें आरोही मित्र के बोला था, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें कुछ नए नाम से बुलाते हैं। और अभी कोई कोई तो जैसे बोलते हैं, कोई तो बोलते हैं, लेकिन कोई हमें ऐसे बोला था बहुत अच्छा लगा, हमारा कुछ नाम तो चेंज हुआ। आज का टाइम ऐसा है, हम साथ में झूठ भी सक रहे झूठ भी सक रहे, लेकिन थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, वो भी बदल चुकेगा धीरे धीरे। सदियों से मेरे समुदाय में हरिजन लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है, उसमें हम सभी को अपना योगदान देकर इसे आगे बढ़ाने में और मजबूत करने में मदद करनी चाहिए। मैं इस समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि हरिजन लोगों के साथ वही समानता का व्यवहार रखें व आने वाली पीढ़ी को भी इसके लिए प्रेरित करें। मैं शंभू राजतवर दिलवाड़ा से इंडियन हट के लिए।